हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नया टॉपिक, एक नई रिसर्च के साथ आपके साथ मौजूद हूं मैं। और जैसे कि बारिश का मौसम है, हेवी रेन्स हो रही है, कम रेन्स हो रही है, धूप निकल रही है, फिर बारिश गिर रही है, लेकिन ट्रैवलिंग किसी की बंद नहीं हुई है। बट आपने देखा होगा कि ट्रैवलिंग जो है पहले के मुकाबले अभी थोड़ा मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि रास्तों में खड्डे पड़ गए। दिस इज कॉल्ड एज पॉट होल्स ऑन दी रोड। रोड के ऊपर में खड्डे पड़ गए। खड्डे कैसे पड़ गए? बारिश की वजह से पड़ गए। लेकिन पॉट होल्स होते क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉट होल्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो यस, पॉट होल्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर गुड क्वालिटी का रोड बने। तो जो हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियर्स को, जो बिटुमिनस रोड है, डामर के जो रोड बोलते हैं ना, तो वो अगर प्रॉपर वे में बनता है, प्रॉपर वे में, इसकी लाइफ होती है 8 से 10 साल। और 4 to 5 years तक तो मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। आप समझ लीजिए, बात को नोट भी कर लीजिए, जेएन खन्ना की बुक होगी, रेफर कर लीजिए, उसमें 4 to 5 years तो फ्री ऑफ रिपेयर होता है। मतलब जस्ट फुट फुट वर्क होता है, देख लेना। लेकिन आजकल के जो रोड बन रहे हैं, पिछले साल बना, ये साल फिर खड्डे हो गए। मेरे ऑफिस के इलाके आपको दिखा सकता हूँ कि क्या कंडीशन है रोड। और यूं यूं गाड़ी ऐसी जाती है, मतलब ये लगता है कि हम लोग टायर है, तैरना भी नहीं होता है, तैरते ऐसा लगता है कि वो खड्डे में गिर गया। गाड़ियों का नुकसान, उसके बाद टायर के नुकसान, और कुछ उसके बाद सबसे बड़ी बात, स्पाइनल कॉर्ड आपकी तकलीफ दे देती है। स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत तकलीफ दे काम है। और अल्टीमेटली नुकसान किसका मालूम है? अपने देश का। क्योंकि डॉक्टर फीस लेगा, आपको दवा देगा, आप जो काम कर सकते तो काम नहीं करेंगे, नुकसान होगा। ये नुकसान अल्टीमेटली अपने देश का। उसको रोकने के लिए मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है हर उस इंजीनियर से जो पीडब्ल्यूडी में है, जो कॉर्पोरेशन में है, जो जिला परिषद में है, जो पंचायत समिति में है, जिसके जिम्मे ये काम है कि रोड बनाना, रोड का सुपरविजन करना, रोड रोड की क्वालिटी को मेंटेन करना, तो जो बुक में पढ़ा है उसको फॉलो करके बना। उससे क्या होगा, हम अपने लोगों की बहुत सी मजबूरियों को, नुकसान को रोक सकेंगे, अपने देश का भी विकास होगा। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक लाइन में आता है रोड। अभी आप देख लीजिए, हमने बसों, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वेयरहाउसिंग की गाड़ियां रात में चलेंगी, दिन में नहीं चलेंगी, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू रिपेयर। ये भिवंडी का बाईपास जो हमारा था वो बीओटी पे दिया हुआ था। बीओटी में बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर होता है। उसने बिल्ड किया, बिल्ड करते के साथ अपना टोल चालू कर दिया, पैसा लेना चालू कर दिया। विद इन द ऑपरेशन पीरियड टोल पूरा कंप्लीट हुआ और 2017 में उनका खत्म हुआ। लेकिन 2 साल के बाद से रोड खराब होने लग गया। तो ट्रांसफर की कंडीशन थी वो नहीं हुई। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में आता है कि ट्रांसफर करने के बाद एक सर्टन पीरियड होता है, वहां तक उसने मेंटेन करना है और रोड को अच्छा रखना, तो वो चीज नहीं हुई है शायद, मेरे ख्याल से। उसको गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे जानते होंगे। तो क्या है कि ये हम लोग नेशनल लॉस कर रहे हैं, हम किसी और का भला नहीं कर रहे हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। मैं उस सब इंजीनियर से मुखातिब हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ जो मुझे जानते हो, शायद मिले हो, या जो मेरी बात को सुन रहे हैं, या जो उसको समझना चाहते हैं। डामर का रोड, अब इसको तोड़ने के वास्ते इसका ये इसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है, इसके कई टेस्ट होते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, बिफोर कंस्ट्रक्शन, बहुत से टेस्ट होते हैं, उसको कंडक्ट करना जरूरी है। जैसे मैं बता दूं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट हम लोग ने पढ़ा होगा, फ्लैश एंड फायर टेस्ट होता है, सीबीआर टेस्ट होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में उसके थिकनेस ऑफ दी बिटुमिन की थिकनेस डिफाइंड होती है, इस पर दी स्पीड होता है, वो सब डिजाइन होकर के आता प्रॉपर है। डिजाइन और एग्जीक्यूशन में जो वर्ड सुपरविजन आता है ना, वही कहीं कहीं देखना है। जो हमारे कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर आप देखते होंगे कितने रोड खराब होते हैं, सालों साल बनते हैं, खराब होते हैं, ऐसा कहीं नहीं, कोई बुक में नहीं लिखा है कि एक साल बना अगले साल खराब। तो क्यों ऐसा होता है, इसके ऊपर गौर करने की भी बात है। और हम लोग जो टेक्निकल फर्टिलिटी है, जो इंजीनियर्स, वो अगर टाइट हो जाएगी तो अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान रोका जा सकता है। मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करूंगा, करप्शन पे, उस पर बात ही नहीं करूंगा, वो दूसरों का सब्जेक्ट। लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स है, जो इनके जिम्मे काम है, भाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल चेक करना, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप चेक करना। देखिए, वो होता है रोलिंग, अभी आप देखेंगे आप रिपेयर का जब काम चलता है, एक ही रोलर पूरा रोल चलाते थे। आपने बुक में पढ़ा होगा कि पहले 8 टन का रोलर, फिर 5 टन का रोलर, फिर 3 टन का रोलर, ऐसे चलता है अलग अलग। और उसको टाइम दिया जाता है, उस पर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स तक गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। मगर हम कहीं देखेंगे कि रोड बन रहा है, किधर से बन रहा है, और पीछे से गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर। हंसी की भी बात है और अफसोस की भी बात है। ये उन सब लोगों की आंख के नीचे, आंख के सामने हो रहा है, जिनको ये पढ़ाया गया कॉलेजेस में रोड कैसे बनना चाहिए। रोड के अंदर में हम लोग WBM से, वाटर बॉर्न मैकेडम 1835 1860 से जब निकला है, उसके बाद से डेवलप करते आ रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है, तो बाकायदा पेमेंट को मेंटेन करती है, लोड को मेंटेन करती है बाकायदा। तो सब कुछ होने के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ रोड क्यों इतनी पुअर है? हम लोग ठीक है, अभी कंक्रीट अगर इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि भाई कंक्रीट के अंदर में लाइफ ज्यादा मिलेगी, तो कंक्रीट का रोड भी 5-10 साल में खराब हो रहे हैं हमारे, जबकि कंक्रीट के रोड की एज जो पढ़ाई गई है 25 साल, जहाँ पे कंक्रीट रोड हो गया है वो 25 साल मिनिमम चलना चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, फिर खोदने लग जाते हैं। पॉट होल की पहली पहली जो शुरुआत मैंने देखी है, जो मेरी मालूमात में आई है, कि लोगों को नल लेना होता है तो खोद दिया, अपना नल ले लिया, और वो जो पॉइंट था जहाँ से उन्होंने रोड तोड़ा उसको छोड़ दिया। पानी डामर का दुश्मन है, ध्यान रख लीजिए। पानी को जहाँ रास्ता मिला डामर के अंदर घुसने का, विटामिन के अंदर घुसने का,
उसका दुश्मन है, वो लेयर को फाड़ते हुए नीचे तक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है, ऊपर वाले ने हर चीज को नीचे खींचने की शक्त दिया जमीन को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अंदर जाता है और अंदर जाके पूरा बिल्कुल नसों की तरह फैल जाता है पानी। उसके बाद जैसे ही लोड पड़ता है तो जो इतना थोड़ा सा फटा तो ज्यादा फटता है, फिर और फटता है, उसके बाद तो बड़े होल बन जाते हैं। और फिर वो रिपेयर बोलते हैं बारिश में होता नहीं है, बारिश में कुछ भी डाल करके भर देते हैं लोग। लेकिन मेरी सभी टेक्निकल फर्टिलिटी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पे गौर करें, हो सके तो रोड कंस्ट्रक्शन और रोड डेवलपमेंट के जितने हम लोग जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर दिए हैं एग्जाम में उसको फिर से एक बार फिर पढ़ लें। जिनके जिम्मे काम है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को नहीं बोलता हूं, लेकिन जिनके जिम्मे काम है, जो बाकायदा क्वांटिटी होने के बाद MB रिकॉर्ड करते हैं, जो उसके बाद उसका बिल बनाते हैं, जो उसके पहले उसका एस्टीमेट बनाते हैं कि ये रोड इतना चौड़ा बनेगा, इतना ऐसा होगा, इसमें ये डाला जाएगा, ऐसा होगा, इसकी कॉस्टिंग ये होगी, इस पर टैक्स ये होगा, इस पर ये सब, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए और पब्लिक को होने वाले नुकसान या तकलीफ से बचाइए, क्योंकि लोगों की बदुआ लेना भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग एज ए सोशल एनिमल मैं बोलूंगा, हम लोग इंसान है, गलतियां करते हैं, तो जो आम पब्लिक है जिसको ये मालूम नहीं कि भाई रोड खराब क्यों होता है, उसमें पहली चीज तो मैंने जैसे बताया कि वो किसी भी चीज की डिगिंग आप करते हैं, तो डिगिंग करने के बाद उसको प्रॉपर फिलिंग कर करके और उसी उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ एरिया लेकर के उसको पैक किया जाए, कम्प्लीट वाटर सीपेज अवॉइड किया जाए उसके अंदर में। उसके बाद एक जो पानी का दुश्मन जो है एसिडिक वाटर भी है, हम लोग जैसे बाथरूम का पानी फेंक देते हैं, साबुन का पानी फेंक देते हैं, तो वो डामर पे नुकसान कर सकता है, ये भी स्टडी में बात आई है, उसको भी अवॉइड किया जाए। और उसके बाद में जो केबलिंग वाले होते हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो केबल बिछाया जा रहा है, तो खोद करके रख दिया, कई कई दिन पड़ा हुआ है, तो प्री मॉनसून ही उसको हो जाना चाहिए, मॉनसून के बीच में कोई टच नहीं करना, प्री मॉनसून हो जाना चाहिए। और ये इसका इंस्ट्रक्शन बाकायदा गवर्नमेंट से भी आया हुआ है, जितने भी केबल के काम है उसको प्री मॉनसून करना है, या जितने भी डक्टिंग के काम है उसको प्री मॉनसून कर। तो उसके बाद फुटपाथ के ऊपर में आप नॉर्मली देखेंगे सिटी के अंदर में कि गटर के ऊपर स्लैब डाल करके उसको पेवर्स लगा करके वॉकेबल एरिया बनाया जाता है, तो फुटपाथ के ऊपर में भी कोई एसिडिक चीज नहीं डाली जाए जिससे कि वो वहां से पानी जमा होकर के रोड की तरफ जाए, या रोड का बहता हुआ पानी, रोड का सबसे बड़ी बात उसका कैम्बर सही होना चाहिए। आप मेरा हाथ देख लीजिए ऐसा, ये बीच में आप कभी देखेंगे हाईवे को ना, तो बीच में ऊंचा रहता है और नीचे ऐसा स्लोप होता जाता है ताकि ये पानी बहता जाए, ये पानी बहने के बाद साइड ड्रेन से निकल जाना चाहिए, अगर रुका अपनी एजेस को काटेगा, और वो काटेगा तो फिर उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते जब गाड़ियां जाएगी तो नुकसान करता जाएगा। ये कुछ बातें हैं, मतलब बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी भी बनती है, सही है बात है, ये अपने लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए, अगर कोई पोर्टल कहीं दिखता है छोटा सा तो तुरंत एजेंसीज को, तुरंत गवर्नमेंट बॉडीज को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो जल्दी भरा जाए, क्योंकि बाद में बड़ा होने ही वाला है, अगर मानसून में है तो 100% वो डैमेज करेगा और साथ के रोड को भी डैमेज करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देके अलर्ट रह करके हम लोग अपने आसपास में नजर रख करके ये होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।